प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात साबरमती एक्सप्रेस 19168 पटरी से उतर गई। 22 डिब्बे डिरेल हुए हैं। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, कुछ यात्री घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा देर रात 2:35 पर कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान हैं, सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा, ये तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने की वजह से हुआ है। मौके पर कोई चीज नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 70 से 80 के बीच थी। एक पहिया उतरते ही प्रेशर कम हुआ। ड्राइवर ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार मौके पर पहुंचे, आसपास के लोगों से पूछताछ की, पटरी के टुकड़े को भी देखा। आशंका जताई जा रही है कि इसी टुकड़े को पटरी पर रखा गया था, जिस वजह से ट्रेन डिरेल हुई। रेल अफसरों ने बताया, हादसे से पटरियां उखड़ गईं, लोहे की क्लिप उखड़कर दूर जा गिरी। अफसरों ने बताया कि हादसे से 1:20 पहले पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी थी, तब तक ट्रैक सुरक्षित था। 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 10 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 24 घंटे में ट्रैक को क्लियर कर देंगे। देखिए, ये साबरमती एक्सप्रेस है, और ये कानपुर की तरफ से झांसी की ओर जा रही थी और यहाँ पे डीरेल हुई। लगभग 22 कोच इसके पटरी से उतरे हैं, बट कोई कैजुअल्टी नहीं है और कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं है। बहुत ही माइनर खरोच वगैरह कुछ यात्रियों को आई हैं। बाकी एम्बुलेंसेज हमारी यहाँ पे हैं, हम लोग बसेज मंगवा रहे हैं ताकि जो यात्रीगण यहाँ पे हैं उनको रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन या उनके गंतव्य तक छोड़ा जा सके। सर, क्या हादसा हुआ है और अभी आप आए थे तो क्या अभी तक मिला है उसमें? देखिए, एक कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी से एक ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जा रही है, वो उसमें कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसी की सूचना पर तत्काल प्रभाव से जितने हमारे अग्निशमन वाहन हैं, 5 अग्निशमन वाहन, रेस्क्यू वैन्स वगैरह मौके पर भेजी गई और पुलिस के अधिकारी और सभी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तो इसमें पूरा देखा गया कि ये बनारस से साबरमती जा रही थी ये ट्रेन, जिसके कुछ डब्बे डीरेल इसमें हुए और लेकिन सभी सुरक्षित हैं यात्री, सभी को निकल गए थे पहले, बाकियों को निकाल लिया गया था, डब्बे वगैरह चेक कर लिए, किसी भी तरह का कोई इंजरी और इसमें कोई प्रतीत नहीं हुआ। सर, अभी कितने प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की हुई है, जो यात्री हैं उनके लिए क्या? देखिए, वो तो रेलवे के अधिकारी मौके पे हैं, वो लोग अपना कर रहे हैं कुछ बसेस वगैरह का, पूरे अधिकारी वो लोग अपनी प्लानिंग से कर रहे हैं। बाकी हमारे एंड से पूरे गाड़ियां वगैरह मौके पे हैं और चेक कर लिया गया, किसी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई है, वहाँ पे नहीं मिला है। क्या कुछ पता चल पाया क्या कारण रहा इसका? वो तो टेक्निकल रीजन से उसको रेलवे के अधिकारी अपने हिसाब से देखेंगे।